The never-ending Hindutva war between the Shiv Sena and the Bharatiya Janata Party is growing louder now. On Sunday, Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray launched a stinging attack on the BJP also, claiming that the party duped his father, Balasaheb Thackeray, because he was gullible. Thackeray went on to claim that he has been behaving shrewdly with the BJP because it cannot ignore the games the party plays in the name of the Hindu right-wing politics. This after BJP's Devendra Fadnavis on Sunday launched a scathing attack on Maharashtra Chief Minister and Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray, asserting he was not a true adherent of Hindutva. Fadnavis accused the Shiv Sena that they were not there while skipping the demolition of the Babri structure and now sitting in the lap of anti-Hindu forces. Maharashtra Chief Minister also attacked the MNS Chief Raj Thackeray, calling him a mere player who sometimes plays the game of Marathi, sometimes of Hindutva. All this is in the backdrop of MNS Chief Raj Thackeray's May 4 ultimatum to the Agadi government to remove loudspeakers, asserting there will be consequences onward from May 4. माझ्यावर त्या आरोप केला की ती शिवसेना बाळासाहेबांची शिवसेना नाही. म्हटलं बरोबर आहे, बाळासाहेब भोळे होते आणि बाळासाहेबांना तुम्ही त्यावेळेला कसे वेळोवेळी फसवत गेला तुम्ही माझ्या डोळ्याने बघितले, म्हणून मी थोडासा नाही म्हटलं तरी धूर्तपणाने तुमच्याशी वागतोय. मी नाही भोळा, माझे वडील भोळे होते. ते हिंदुत्वासाठी, म्हणजे हिंदुत्व हे माझे रक्तात त्यांनीच भिनवलेले आहे, पण हिंदुत्वाच्या आडून तुम्ही जे तुमचे डाव सरत होता त्याच्याकडे ते कानाडोळा करत होते, मी नाही करणार. तोठाच्या पाडण्याचं काम अभिमानानं सांगतो आम्ही केलं. अरे तुम्ही विचारता, माझा तुम्हाला सवाल आहे, तुम्ही सांगा तोठाच्या पडला त्यावेळी तुम्ही कुठे होतात. मी या ठिकाणी अभिमानानं सांगतो, होय मी तोठाच्या पाडण्याकरता त्याच ठिकाणी होतो. ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है की आज उनके विषय में ऐसी भाषा उन्हीं के सुपुत्र बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो समझौता उन्होंने अपने सिद्धांतों से किया है सत्ता के लिए, उसे जायज ठहराना है. स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ किसी भी प्रकार के गठबंधन से सख्त खिलाफ थे और उन्होंने ये बार बार कहा था. तो आज सवाल तो ये पैदा होता है उद्धव जी, कि बालासाहेब ठाकरे जी को हिंदुत्व के विषय पर किसने ठगा? जो हिंदुत्व के शेर हुआ करते थे, आज वो ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन में है जो हिंदुत्व को आइसिस और बोको हराम के तरह तुलना करती है. ये खुली धमकी और किसी के धार्मिक मामलों में इस तरह से हस्तक्षेप करना तो एक किस्म से अपराध है, अपराध की श्रेणी में आएगा. और मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार वो सक्षम है, वो उनकी जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त है, और अगर कोई नियम विरुद्ध, कानून विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी, कोई काम करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और उसमें राज ठाकरे कोई अपवाद नहीं है. And in this face-off between the BJP and the Shiv Sena, AIMIM chief Asaduddin Owaisi has now waded into the loudspeaker debate and hitting out at Raj Thackeray specifically. Owaisi has asked if the Rana couple has been slapped with sedition for chanting the Hanuman Chalisa, then why can't similar action be taken against those who want clamp down on the mosques as well? Listen in. मैं एक संविधान के दायरे में रहकर लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा. और ये सब मिले हुए हैं, और संजय राउत को समझना चाहिए कि आपकी पार्टी पावर में है, तो भाई आपने क्यों अरेस्ट किया फिर राणा के दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को? क्या आपके घर के सामने आके बजाए तो सेडिशन लगेगा, और मेरी मस्जिद के सामने आके कोई पोंगा लगाने की धमकी देगा तो तुम खामोश बैठोगे? गुलाब जामुन है आपके मुंह में, दही जम चुकी है. जब आप नवनीत राणा और उनके हस्बैंड के ऊपर सिर्फ इस बिना पर सेडिशन लगाया, जो सेडिशन नहीं लगता उनके ऊपर, आपने सजेशन लगाया क्योंकि आपके लीडर के घर के सामने जाकर कुछ पढ़ना चाह रहे थे. भाई आपके आपके लीडर के घर की अहमियत है, मेरे मस्जिद की अहमियत नहीं है क्या? औरंगाबाद की पीस की अहमियत नहीं है? अब जहां तक सवाल इनके ये स्पीच का है, तो ये तो ओपन कॉल है वायलेंस के लिए. जब वहां की मुकामी पुलिस ने इनको कंडीशन के साथ परमिशन दिया है, तो उनको चाहिए कि फौरन सोमोटो एक्शन ले, कि एक बार हो जाने दो. क्या हो जाने दो? क्या एक शख्स पूरे स्टेट के पीस को दांव पे लगाएगा? क्या एक शख्स थ्रेटन करेगा औरंगाबाद की हिंदू मुस्लिम दलित के भाईचारगी को? तो पुलिस क्या कर रही है? और क्या ये क्या मतलब है कि एक बार हो जाने दो? क्या हो जाने दो?
क्या सो मोटो एक्शन पुलिस नहीं लेगी? लगाइए 153-295 और अरेस्ट करके जेल को भिजाइए, जेल में सड़ने दीजिए, 5-6 दिन उनको बेल लेने दीजिए, तो दिमाग हल्का हो जाएगा। क्योंकि शिवसेना की सरकार है और वो अपने भाई के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। वही एक नवनीत राणा अगर उद्धव ठाकरे घर पर जाकर कुछ पढ़ना चाहती थी तो आपने उसको अरेस्ट करके सेडेशन लगाया। यहाँ आपके भाई का मामला आ रहा, वो बकवास कर रहा है, पूरे पीस को बर्बाद करना चाहता है, धमकी दे रहा है। भाई 4 तारीख क्या स्टेट को कोई रैंसम पे होल्ड कर सकता है क्या? क्या महाराष्ट्र स्टेट बड़ा है या कोई एक शख्स बड़ा है? और ये क्या बात है कि मस्जिद के सामने जाकर करेंगे? क्या करेंगे आप? क्या आप खरगोन बनाना चाह रहे हैं औरंगाबाद को? क्या महाराष्ट्र को आप जो दिल्ली में गड़बड़, उस तरह की दिल्ली में की गड़बड़ करना चाह रहे क्या आप? क्या हो रहा है? ये तो ओपन कॉल है वायलेंस के लिए।